प्रैक्टिकल गुरु चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज मैं आज आपको बता रहा हूँ कि जो हीरो बाइक रहती है, पैशन प्रो बाइक रहती है और HF डीलक्स बाइक रहती है, उसके अंदर जो इग्निशन कॉइल रहती है उसको किस तरीके से चेक करते हैं। तो मैं पहले जो हमारे बाइक मैकेनिक हैं उनको ट्रेनिंग दे रहा हूँ, तो उनको कुछ समझाता हूँ, फिर उन्हीं से चेक करवाता हूँ किस तरीके से चेक करते हैं। तो पहले मैं उनको समझाता हूँ किस तरीके से चेक करते हैं। तो मैं आपको भी समझा रहा हूँ, ये इग्निशन कॉइल रहती है, इसके अंदर दो कॉइल रहती है, एक प्राइमरी कॉइल रहती है, एक सेकेंडरी कॉइल रहती है। ये क्या करती है, लो वोल्टेज को हाई वोल्टेज में कन्वर्ट करती है। तो मेरे जितने सारे ट्रेनिंग वाले मैकेनिक भाई हैं उनको मैं ट्रेनिंग दे रहा हूँ। सबसे पहले हमको क्या करना है, इसको 200 ओम पर सेट करना है, ठीक है। इसके बाद जो इग्निशन जो कॉइल रहती है प्राइमरी, उसको चेकेंगे हम, चेक करेंगे। तो इसका आना चाहिए 1.6 से लेकर 3.8 के बीच में आना चाहिए, तो 1.6 इसका आ रहा है, ये सही है। अब हम इसकी सेकेंडरी कॉइल चेक करेंगे, उसके लिए आपको क्या करना है, 220 के पे सेट करना है। इसको जो मल्टीमीटर रहता है उसको 20 के पे सेट करना है। इस वाले वायर जो ब्लैक वाले वायर को ब्लैक में लगाना है, और ये लास्ट वाला इसको इसमें लगाना है। तो इसकी रीडिंग आना चाहिए आपको 5 से लेकर, यानी 5 से लेकर 15 के लगभग आने चाहिए। तो इसकी आ रही 13.86 पैशन प्रो बाइक की। अब मैं आपको बता रहा हूँ HF डीलक्स बाइक की, जो हमारे मैकेनिक हैं वो किस तरीके से चेक करते हैं, तो उनको मैं पूरा प्रोसीजर बताता हूँ और वो कुछ चेक करेंगे। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले ये प्राइमरी कॉइल रहती है, जहाँ में लगाओ ब्लैक और इसमें लगाओ रेड। इसको पहले सेट करो 200 पे, ठीक है। हाँ, 200 पे सेट कर लिया। अब ये प्राइमरी कॉइल देखो, ये कौन सी गाड़ी की, ये ओम, हाँ ये तो ओम्स रहता है। यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना आना चाहिए इसका, 2.5 आ रहा है, 2.3 आ गया, यानी ये प्राइमरी कॉइल सही है। आप सेकेंडरी पे करोगे, कहाँ पर करोगे इसको, 20 के पे, 20 के पे कर लिया। अब आप ये वाले को नहीं, ये वाले को रेड में लगाना और ये वाले को ब्लैक में लगाना। लगाओ, ये आना चाहिए 5 से लेकर 10 के बीच में। ये कितना आ रहा है आपका, 10.30, यानी ये बिल्कुल सही है, ये HF डीलक्स बाइक की है। सही। मैंने भाइयों को भी सिखाया, आप भी इस तरीके की ट्रेनिंग लेना चाहते हैं तो मेरे यहाँ आकर ट्रेनिंग ले सकते हैं। मैं अभी कुछ दिनों बाद चालू करने वाला हूँ सभी मैकेनिक भाइयों के लिए ट्रेनिंग। तो आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो। यदि वीडियो आपको अच्छा लगे, यदि आपके कोई कमेंट हो, कोई सुझाव हो, वो भी आप जल्दी से मेरे को कमेंट बॉक्स में लिखें। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मैं प्रकाश कुमार सैनी, थैंक यू।